राज्यपाल कलराज मिश्र ने आज राजभवन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उनके चित्रों पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। राज्यपाल ने इस दौरान गांधी जी और शास्त्री जी के कार्यों को याद करते हुए उन्हें आदर्श बताया। वासियों की ओर से मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। महात्मा गांधी का जीवन भारत ही नहीं पूरे विश्व और पूरी मानवता के लिए प्रेरणा का संदेश देता है। महात्मा गांधी को उनके कार्यों ने उन्हें इतनी ऊंचाई प्रदान की है कि आज उनके जन्म के 150वें वर्ष बाद भी हमें उनके आदर्शों से न केवल प्रेरणा मिल रही है बल्कि भावी पीढ़ी के लिए भी इसमें संदेश निहित है। गांधी जी ने स्वतंत्र भारत में अपने जीवन का बहुत कम समय व्यतीत किया, इसके बावजूद हम देखते हैं कि आज देश का विकास और विकास की संकल्पना उनके स्वदेशी ग्राम स्वराज्य और स्वावलंबन जैसे सिद्धांतों के बिना अधूरी है। महात्मा गांधी एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे जिनके सिद्धांत देश, धर्म, भाषा, जाति, संप्रदाय और वर्ग सबसे ऊपर उठकर संपूर्ण मानवता के लिए उपयोगी और प्रासंगिक बने रहेंगे। अगर हम इतिहास पर नजर डालें तो विश्व भर में पिछली शताब्दी के दौरान साम्राज्यवाद के खिलाफ चले सभी आंदोलनों में गांधी जी का आदर्श नजर आता है। दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला हो या अमेरिका में मार्टिन लूथर किंग, फिलिस्तीन में यासर अराफात हो या पोलैंड के लेक वालेसर, सबने किसी न किसी रूप में गांधी जी को अपना प्रेरणा स्रोत माना।